आज आप लोग डीएम साहब के यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? जी, हम लोगों ने टेंडर डाला था लॉट नंबर 12 पे खलीलपुर संपर्क मार्ग के लिए, जो प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बहराइच में है। उस टेंडर में घपलेबाजी की गई है। ई टेंडरिंग होने के बावजूद भी घपलेबाजी की गई है। वेद प्रकाश यादव जो सहायक अभियंता हैं प्रांतीय खंड लोक निर्माण बहराइच में, उनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। जैसे जो जिन्होंने पैसे दिए केवल उनके ही टेंडर खोले जा रहे हैं, बाकी को बिना कारण कैंसिल किया जा रहा है टेंडर उनका। तो इस वजह से हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन देके कार्रवाई की मांग की है कि जांच की जाए उसके खिलाफ। और उनकी ये अनियमितताएं आज की एक टेंडर की नहीं है, उनकी अनियमितताएं लाट के 18 टेंडरों में ज़्यादातर में उन्होंने ऐसी ही वित्तीय अनियमितताएं की हैं। और ज़्यादातर टेंडरों में कोई कंपटीशन नहीं किया गया, एक व्यक्ति को विशेष को या एक फर्म विशेष को टेंडर दे दिया गया है, बाकी सबको निरस्त कर दिया गया है। किस नाम से फर्म है आपका? बाउंडली सिंह। क्या पहले की सरकार में भी ऐसे आपकी फर्म का और क्या प्रॉब्लम? श्री बाउंडली सिंह कॉन्ट्रेक्टर, हम गुना में ये हमारे है कॉन्ट्रेक्टर बाउंडली सिंह नाम से। क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग टेंडर डाले थे टेंडरिंग में कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बहराइच में जी, तो लाट जितना 18 लाट थे उसमें हम अपना खलीलपुर संपर्क मार्ग में लाट नंबर 12 पे टेंडर डाला था। हमारा टेंडर कागज में सही है सब कुछ, हम बी क्लास ठेकेदार हैं, और कागज में फर्जी गलती निकाल के हमारा टेंडर नहीं खोला जा रहा। सहायक अभियंता भी बेपरवाह मिश्रा द्वारा। क्या वजह है? आजा है आर्थिक कुछ घपलेबाजी कर रहे हैं। क्या पैसे की मांग कर रहे हैं? घपला कर रहे हैं। इसकी शिकायत किससे आपने किया है? हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को बोला था भैया, क्या है प्रभारी मंत्री प्रधानमंत्री प्रभारी को किया है, और डीएम अजय दीप को ज्ञापन दिया लिख के, एक्सचेंज से शासी अभियंता से शिकायत की। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा टेंडर खोला जाए या तो फिर टेंडर निरस्त किया। नहीं नहीं, हमारी मांगे कि या तो टेंडर निरस्त कर दिया और वेद प्रकाश यादव को यहाँ से हटा तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सहायक अभियंता ने 1.5 लाख रुपए की मांग किया है कि टेंडर पास करने के लिए, इस पर क्या कहना है आपका? सब आरोप बेबुनियाद है। हाँ सर, आप अक्षय साहब बताइए कि आपके विभाग द्वारा लगभग 29 लाख रुपए का सड़क निर्माण कार्यों में के सहायक अभियंता, आपके जो है पीडब्ल्यू के सहायक अभियंता द्वारा अपने चहेते को टेंडर देने का आरोप लगा है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, चहेते ठेकेदारों को काम देने कोई मतलब नहीं है। इस समय सारा टेंडर प्रक्रिया जो है ई टेंडरिंग पर आधारित है, ऑनलाइन टेंडर किए जाते हैं और टेंडर के पोर्टल पर सब चीज़ें उपलब्ध हैं जिनको देखा जा सकता है, और सारा काम नियमानुसार हुआ है। हम लोग टेंडर डाउनलोड करके ई टेंडरिंग में जो पड़े होते हैं डाउनलोड करके और उनका परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। किसी अभिलेख में कोई हेराफेरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज भी जो भी ठेकेदार टेंडर डालते हैं ई टेंडरिंग वो 6 महीने तक सेफ रहता है। आज भी वो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन सब मौजूद हैं।